दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है अडानी विल्मर लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी अडानी ग्रुप की कंपनी है। कंपनी काफी बेहतरीन है और अपने आईपीओ के बाद इसने काफी अच्छा रिटर्न भी दिया था, लेकिन अडानी ग्रुप में काफी सारी न्यूज के बाद इस स्टॉक में भी गिरावट आई। वैसे स्टॉक काफी बेहतरीन है और अभी ये काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा बाइंग दिखा रहा है। तो दोस्तों चलिए पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके चार्ट की एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कंपनी का नाम है अडानी विल्मर लिमिटेड। इसका स्टॉक मार्केट प्राइस 390 रुपए चल रहा है और ये इंट्राडे में लगभग 8.5% तक तेज था। इसकी जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 50,730 करोड़ की है। इसका जो स्टॉक पी है वो 367 है, यानी कि इतने करेक्शन होने के बावजूद भी ये कंपनी अभी भी ओवरवैल्यूड है। ROCE 15% एंड ROE 7.41%। तो इन सब पैरामीटर्स पर भी देखने की जरूरत है। पिछले एक साल में इसने जो लो लगाया था वो 286 रुपए का था और इसका जो हाई था वो 509 रुपए का था। कंपनी के बारे में बता दूं तो कंपनी 1999 में कॉर्पोरेट हुई थी और ये एडिबल ऑयल, फूड एंड FMCG प्रोडक्ट्स में काम करती है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, आईपीओ के बाद इसमें काफी ज्यादा करेक्शन हुआ और अभी ये अपने निचले स्तर पर ही ट्रेड कर रहा है। इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें दोस्तों, तो कंपनी जो है एडिबल ऑयल सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका मैरिको हुआ, पतंजलि फूड्स, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, BCL इंडस्ट्रीज, गोकुल एग्रो, कृति न्यूट्रिएंट्स जैसी और भी बेहतरीन कंपनियां काम करती हैं। इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 10,229 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 14,379 करोड़, दिसंबर 2022 में 15,438 करोड़ और दिसंबर 2023 में वापस 12,828 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 127 करोड़ का प्रॉफिट हुआ दिसंबर 2020 में, 211 करोड़ का प्रॉफिट हुआ दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2022 में 246 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में कुल 201 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 28,797 करोड़ पर था, मार्च 2021 में 37,090 करोड़, मार्च 2023 में 58,185 करोड़ और करंट में कुल 51,896 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2019 में 376 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 729 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2023 में 582 करोड़ का और करंट में केवल 85 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके बोरोइंग्स की बात करें तो 1,829 करोड़ का उधार था कंपनी के ऊपर मार्च 2019 में, मार्च 2021 में 3,051 करोड़ का, मार्च 2023 में 2,396 करोड़ और करंट में कुल 3,834 करोड़ का, यानी कि साल दर साल इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। टोटल असेट्स की बात करें तो जहां 11,603 करोड़ का असेट था मार्च 2019 में, मार्च 2021 में 13,328 करोड़, मार्च 2023 में 20,979 करोड़ और करंट में कुल 20,531 करोड़ का असेट है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 87.94% है, यानी कि इस स्टॉक में अगर सबसे अच्छी बात कोई है तो बस यही है कि इनमें प्रमोटर्स अभी भी बरकरार हैं और काफी मेजोरिटी में है। FIIs जहां मार्च 2022 में 2.01% पर थे, इन्होंने अपना हिस्सा कम करके 0.65% किया है। DIIs की बात करें तो 0.41% से 0.12% किया है और पब्लिक ने 9.64% से 11.35% किया, यानी कि सबसे ज्यादा हिस्सा प्रमोटर्स के पास है, उसके बाद फिर पब्लिक के पास है। इसके अगर फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसका ROE काफी अच्छा है, कैपेक्स वर्सेस ROCE इसका नेगेटिव में है, करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन यहाँ भी कंपनी कुछ खास अच्छा नहीं कर रही है, बाकी वर्किंग कैपिटल पर ठीक है। कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर प्लेज नहीं किया है और प्रमोटर्स ने अपना कोई भी हिस्सा बेचा भी नहीं है, लेकिन इसका जो शेयर प्राइस है ना वो बढ़ रहा है, रिटेल की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, डेप्ट कंपनी पे भर भर के है। तो देखा जाए तो 50-50 का खेल है, जितना इसमें पॉजिटिव चीजें हैं उतना ही नेगेटिव चीजें भी हैं। बाकी अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो ब्रांडेड मस्टर्ड ऑयल में लगभग 12.5% का हिस्सा रखती है ये कंपनी, क्योंकि जो फॉर्चून है, फॉर्चून ब्रांड अडानी विल्मर का ही है। कैस्टर ऑयल में 25% का हिस्सा रखती है, एडिबल ऑयल में 19.50% एंड ग्लिसरीन में 23% का मार्केट शेयर है अडानी विल्मर के पास। इसके रेवेन्यू को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है एडिबल ऑयल्स में 44% वो सोयाबीन ऑयल है, 28% पाम ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल में 10% का एंड बाकी का 18% अदर्स। वहीं अगर प्रोडक्ट है फूड एंड FMCG में तो 64% इसका वीट है, यानी कि अडानी का जो आटा है वो 64% है उसका, पल्सेस में 14%, राइस 9%, सोया 5% एंड अदर्स 8%। प्रोडक्ट अगर हम इंडस्ट्री एसेंशियल्स की बात करें तो जो कैस्टर है वहाँ से 37% एंड ओलियो 27%, 36 अदर्स। एंड प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो एडिबल ऑयल में 75%, फूड एंड FMCG में 9.9% एंड इंडस्ट्री एसेंशियल्स में 14.4% का प्रोडक्ट है इस कंपनी के पास। अगर सेगमेंट की बात करें तो एग्रो कमोडिटीज 100%, लोकेशन वाइज 86% खपत इंडिया में ही है और 13.6% कंपनी एक्सपोर्ट करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो एडिबल ऑयल से 89
9.7% का प्रॉफिट आता है एंड इंडस्ट्री एसेंशियल से 6.2% का प्रॉफिट आता है। इसके असेट को ब्रेक करें तो 100% इसका इंडिया से ही असेट है। ब्रांडेड वर्सेस प्राइवेट लेवल की बात करें तो 77% प्रोडक्ट इसके ब्रांडेड है एंड इंस्टीट्यूशनल 23%। तो दोस्तों एक बार हम इसके चार्ट के एनालिसिस फिर से कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब इस स्टॉक में लो बनता नजर आ रहा है, यहाँ से ये स्टॉक निकला है और अगर ये इस लेवल का ब्रेकआउट दे देता है, उस ब्रेकआउट के समय पे यहाँ पर अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो यहाँ पर एक नई एंट्री बनती है। आपका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट 520 के आसपास होगा, उसके बाद दूसरा टारगेट जो होगा वो 750 के आसपास का होगा। लेकिन ध्यान रहे स्टॉप लॉस लगा के रखना है और हाँ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से भी जरूर जांच लेना है।